हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए रीडिंग के आंसर्स लेकर आया हूं जो आपका आज एग्जाम हुआ है। पैसेज वन वाज रिलेटेड टू पी प्लांट, इसमें आपके मैचिंग टाइप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन थे। सो इनके आपके आंसर्स हैं सी ए डबल बी ए, ग्लास हाउस, ट्रेड्स, पेरेंट प्लांट्स, फॉल्स ट्रू, नॉट गिवन, फॉल्स ट्रू। सो ये हैं आपके पैसेज वन के आंसर्स। कोई भी डिस्क्रिपेंसी आपको लगे तो आप कमेंट्स में लिख देना। सेकेंड पैसेज आपका वर्ल्ड मैप्स के ऊपर था, इसमें पैराग्राफ हेडिंग्स, ब्लैंक्स एंड एमसीक्यू जो आपने 2 out of 3 चूज करने थे। सो आपके आंसर्स हैं 6th, 4th, 1st, 5th, 3rd and 8th। ब्लैंक्स में ग्रीनलैंड, इसमें अफ्रीका और ग्रीनलैंड में कन्फ्यूजन थी। नेविगेटर्स, स्पेरिकल एंड रेक्टेंगल, और जो दो ऑप्शंस चूज करने थे मल्टीपल एमसीक्यू में आपके, वो हैं सी एंड ई। थर्ड पैसेज यानी कि लास्ट पैसेज आपका पर्ल्स के ऊपर था, इसमें यस नो नॉट गिवन, MCQs and word bank summary थी। So yes no not given के हैं, no not given, yes no, MCQs AACBD, और last में word bank summary, इनमें आपने letters choose करने थे यानी कि A से लेकर G तक, but exactly letter याद नहीं थे। So answers आपके ये वाले हैं। And आज के exam में आपको दोनों writing task 1 and 2 मेरी book में से ही देखने को मिले। So जिन भी students ने मेरी book ले रखी थी उनको दोनों के दोनों task same repeat हुए। मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यह है मेरी राइटिंग की बुक जो मैंने पास्ट एग्जाम पेपर से ही बना रखी है। आपको बार चार्ट भी सेम एज इट इज आया, इसका मैंने सैम्पल आंसर प्रोवाइड कर रखा था, और आपको टास्क 2 भी दोनों साथ में ही रिपीट हुए हैं। और जो मेरे चैनल को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि अगर राइटिंग रिपीट होगी तो मैक्सिमम चांस है कि आपको मेरी बुक में से रिपीट हो, और दोनों साथ में रिपीट होंगे। मैं हर वीडियो में आपको यही बोलता हूँ कि राइटिंग टास्क 1 and 2 साथ में रिपीट होगा अगर एग्जाम में इन्होंने रिपीट करना है। उसी तरह आपके पैसेजेस भी रिपीट होते रहते हैं। आज के एग्जाम में कोई भी रीडिंग पैसेज रिपीट नहीं हुआ, अगर रिपीट होता है तो आपको मेरी बुक्स में से ही देखने को मिलेगी। जिसको भी ये बुक्स चाहिए होंगी आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा। और हाँ, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड साथ ही आप रिजल्ट्स भी देखिए मेरे पेज के ऊपर, मेरे स्टूडेंट्स के 8, 8.5 बैंड्स आ रहे हैं रीडिंग लिसनिंग के अंदर। और रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था अपने चैनल के ऊपर, अगर आप उसमें देखें तो मेरे एक स्टूडेंट के, जिसके पिछले एग्जाम में रीडिंग में 5.5 बैंड्स आए थे, इस बार उनके 7 बैंड्स आए हैं रीडिंग में, और लिसनिंग में उनके आए हैं 8 बैंड्स। सो एक मंथ की प्रेपरेशन से ही बहुत इंप्रूवमेंट हुई उनकी। एंड मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ कि अगर आप एक मंथ मेरे साथ लगा लेंगे, एंड अफोर्डेबल प्राइस रखा है मैंने, फीस भी ठीक ही है आपके लिए, और एक बैच में मेरे 4 से 5 स्टूडेंट ही रहते हैं, ज़्यादा मैं नहीं रखता हूँ। सो आपके ऊपर प्रॉपर अटेंशन दी जाएगी, जो वीक एरियाज हैं उनको कवर किया जाएगा ताकि आप 6.5-7 बैंड्स ईजिली ले पाए। सो जिसने भी पास्ट एग्जाम मटेरियल लेना हुआ या फिर ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना हुआ मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको। वन मोर थिंग, मेरे लिसनिंग चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। पास्ट एग्जाम लिसनिंग्स आपकी यही इसी चैनल से आएंगी एग्जाम के अंदर। पिछले एग्जाम में आपको इसी में से आया था एक कंप्लीट सेक्शन हाउस रेंटल वाला, आगे भी आपको इसमें से देखने को मिलती रहेंगी लिसनिंग। सो जो भी प्रैक्टिस करते हैं इसी चैनल से आप किया करें। एंड आज पहली बार नहीं हुआ कि टास्क 1 and 2 मेरी बुक में से रिपीट हुआ है। पिछला भी जो अकेडमी प्लस GT वाला एग्जाम था उसमें भी आपके दोनों टास्क 1 and 2 साथ में ही रिपीट हुए थे, और पहले भी आ चुके हैं एंड आगे भी आते रहेंगे। सो अगर आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, मेरे पास एक्सक्लूसिव कंटेंट है, पास्ट एग्ज़ाम मटेरियल है मेरे पास, जिसमें से IDP रिपीट करता रहेगा आने वाले टाइम में भी। अगर आपने अच्छे बैंड लेने हैं, 7, 7.5 बैंड लेने की इच्छा है, तो आप इस पास्ट एग्ज़ाम मटेरियल से प्रैक्टिस किया करें। लिसनिंग के आंसर्स की वीडियो नेक्स्ट मैं बनाऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब।